जितना पाकिस्तान ने मुझे सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट के बगैर आई डोंट थिंक सो ये प्रोजेक्ट पॉसिबल था। तो आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं जल्दी पाकिस्तान आ रहा हूँ, फिर इस चीज़ को मिलने से रिपीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनको वेलकम करूँगा, और साथ साथ में जहाँ जहाँ तक ये वीडियो देखी जा रही है, आज के दिन यानी कि 13 मई 2021 को ईद उल फितर जो है वो मनाई जा रही है, और इसका मुझे विश करना था। और विश मैं कैसे करता, मैंने वीडियोज़ वगैरह तो पोस्ट करती थी, लेकिन जितने भी पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं दुनिया भर में, जहाँ और जहाँ कल भी मनाई जाएगी, उन सबको मेरी तरफ से अलबिलिराही क्लब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद मनाई और बहुत इन्जॉय किया, बिल्कुल घर पर रह के हर चीज़ें प्लान करी, घर पर रह के हर चीज़ें चल रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ जो एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलती हुई, क्योंकि मैं भी बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ज्वाइन करी हुई हैं। तो हमारे जो एक बहुत अच्छे बाइकर हैं सरमद, उनका एक माउंटेन लवर क्लब है, ठीक है, वहाँ से मुझे एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से मिली थी कि एक पाकिस्तानी माउंटेनर हैं शहरोज काशिप, वो जो हैं माउंट एवरेस्ट जो है वो समिट करने गए हुए, और उस चक्कर में मैं काफ़ी उनकी पोस्टों से अवेयरनेस आती रहती थी कि उनकी फ्रीक्वेंटली माशाल्लाह बहुत सारी पोस्टें आती रहती हैं, और उनसे मैं अपडेट होता जाता। तो फाइनली इस ईद ईद उल फितर की खुशियों के साथ जो सबसे अच्छी खुशी पाकिस्तानियों को मिली है वो ये है कि पाकिस्तानी माउंटेनर है, चाहे ये हैं यंगेस्ट पाकिस्तानी माउंटेनर हैं शहरोज काशिप, सिर्फ़ और सिर्फ 19 साल के, और उन्होंने पहले सबसे कम उम्र को पैमा है पाकिस्तान की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की को सर किया है ट्यूसडे 11 मई 2021 को, यानी कि 2 दिन पहले। और यकीनन आज वीडियो से स्टार्ट से पहले आपने उनकी लेटेस्ट वीडियो देखी होगी, जिसमें वो ये कंप्लीट करके जो है वो मूव कर रहे हैं अपना आने की तरफ। तो बहुत एक खुशी की बात है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और बहुत जो है देखा जाए तो कम पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस माउंट एवरेस्ट को, जो माउंट एवरेस्ट है उसकी अगर आप हाइट की बात करें तो हाइट तकरीबन जो है मीटर्स में जो है वो तकरीबन 8848.86 मीटर बनती है, और अगर फिट में देखा जाए तो तकरीबन 29,032 फिट इसकी बनती है, जो सबसे इस वक्त दुनिया की हाईएस्ट है। और अगर इसमें देखा जाए तो बहुत कम पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इसमें इसको सर किया है, उसमें सरफहरिस्त जो पहले पाकिस्तानी हैं वो हैं नज़ीर साबिर साहब, जिन्होंने इसको सर किया। उसके अलावा पाकिस्तान की पहली खातून भी हैं जिनका नाम है समीना बेग, पहली खातून जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लियर किया। उसके बाद जो है मिर्ज़ा अली बेग भी हैं, और अब्दुल जब्बार भट्टी भी हैं, और हसन सतपारा भी हैं। और इसमें अब्दुल जब्बार भट्टी हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है, और उसके बाद आई थिंक सो जहाँ तक मेरी रिसर्च है और जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि शहरोज काशिप जो हैं पाकिस्तान के 5वें या 6ठे, अब ये डाउटफुल है, मुझे इतनी रिसर्च नहीं पता लग सकी, पाकिस्तानी को पैमा है। और पाकिस्तानी एजाज ये कि सबसे कम उम्र, यानी कि सबसे कम उम्र को पैमा जो है पाकिस्तान के, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो इन्फॉर्मर हैं वो ये बना रहे हैं कि दुनिया के सबसे कम उम्र है। तो यहाँ मैं आपको शेयर कर दूँ कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे कम उम्र जो है वो को पैमा है जिन्होंने ये माउंट एवरेस्ट को सर किया है। और लाइक इसके जो सबसे कम उम्र को पैमा है उनका ताल्लुक है अमेरिका से, जॉर्डन रोमेरो उनका नाम है, और 12 जुलाई 1996 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट शिफ्ट किया था अपने फादर के साथ, और 13 साल की उम्र में लड़के थे ये उन्होंने सर किया था। और इसके अलावा एक लड़की भी थी जिनका उम्र जो है वो 15 साल थी, नेपाल से उनका ताल्लुक था, मिंग किपा ने 2003 के अंदर 22 मई 2003 के अंदर किया था। तो ये कम उम्र तरीन कोपेमा से रजिस्टर्ड हैं, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के वजह से पाकिस्तान की पहली खातून कोपेमा जो थी समीना बेग, उन्होंने आपको रजिस्टर करता था। तो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र
कम उम्र यानी कि कम एज 19 साल तो कुछ भी एज नहीं होती। और माशाल्लाह से अगर थोड़ा सा आपको बताऊं, इनका ताल्लुक जिंदा दिलान शहर लाहौर से है और पंजाब से इनका ताल्लुक है और पाकिस्तानी है माशाल्लाह से। और इन्होंने के 11 साल की उम्र से जो है ना वो ये ट्रैकिंग कर रहे थे और ट्रैकिंग के साथ साथ फिर कॉपीमाई भी करी और तकरीबन 17 साल के जब थे तो इन्होंने ब्रॉड पीक 2019 में सर करी थी और ये उस वक्त भी सबसे कम उम्र थे पाकिस्तानी जो उन्होंने सर करी थी। और ये अब इन्होंने 2021 के अंदर 11 मई को सर के वक्त जो है इन्होंने इसको सर किया है। ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तानियों के लिए और हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम जो इंसिडेंट अली सतपारा का हुआ था उसके बाद लोगों के ब्रेन में, लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि पाकिस्तानी अब पीछे हट जाएंगे, अब ये कूपीमाई पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें इनको इनकरेज करना चाहिए, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये अभी मज़ीद आगे जाना है। जो कि शिरोज काशिफ ने कहा है कि अभी बहुत सारी चोटियां बाकी हैं जहाँ पे परचम पाकिस्तान का लहराना है, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, हमारी ये दुआएं हैं। यहाँ तक वीडियो देख ली तो वीडियो पसंद आ गई होगी तो इसको शेयर किए ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी चली जाए। और मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं प्लान इस चैनल के ऊपर जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। मेरे एक और चैनल भी है उस पर मैं न्यूज़ करंट अफेयर दूसरी चीज़ें, लेकिन ये चैनल मेरा ऐसा है कि ये मैं अपने हिसाब से जो करना चाहूँगा, जिस तरह की चीज़ें करना चाहूँगा वो करूँगा इंशाल्लाह ताला। आगे मेरे टूर्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, वो सब इसी चैनल पर मिलूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद जहाँ जहाँ तक जहाँ देखी जा रही है पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर स्पेशली सऊदी अरब जहाँ माई सेकेंड होम कंट्री, वहाँ भी देखी जा रही है तो वहाँ के लोगों को भी यूएई, गल्फ वगैरह, अमेरिका, कनाडा, लंदन, जहाँ कहीं भी देखी जा रही है और ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी एक और भी कॉपीमा है, उनकी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उनकी वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड करूँगा और साथ में एक बहुत ज़बरदस्ती ईद की बारबेक्यू पार्टी की वीडियो भी व्लॉग बन रही है, वो हमने कैसे सेलिब्रेट करेंगे घर पे उसको भी इंशाल्लाह ताला अपलोड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ अपनी वीडियो को एंड करता हूँ इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपनी सेफ्टी के साथ सफ़र करें। इस वक्त जो कंडीशन है, जो वबा फैली हुई है, इसमें भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ख्याल रखें। टूर्स इस वक्त कम से कम रहें, घर पे मुहित रहें, अपने आप, अपनी फैमिली मेम्बर, जो भी हमारी चीज़ें हैं, हैंड वॉश के, मास्क लगाना, दूसरी चीज़ें, उन पर बहुत अमल करना ज़रूरी है क्योंकि ये कोई गलत चीज़ नहीं है। ये वबा जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो कंडीशन हो रही है उसके लिए यकीनन आपको भी अंदाज़ा होगा। तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम पर्सनल सेफ्टी इस तरह से कर सकते हैं, उसी से ही हम इससे बच सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।